नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। दुबे खाद बीज भंडार पर सावन सिंह जौदौन एवं यादव का हुआ स्वागत। धौलपुर में आज दुबे का बीज भंडार पर धनलक्ष्मी कंपनी के रीजनल मैनेजर सावन सिंह जौदौन एवं सेल्स एग्जीक्यूटिव सुरेश चंद यादव का दुबे खाद बीज भंडार के संचालक बनवारी लाल दुबे ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर सावन सिंह यादव ने बताया कि धनलक्ष्मी कंपनी किसानों के लिए नवीन किस्म के बीज बाजार में उपलब्ध करवा रही है, जिससे किसानों को फसल अच्छी मिले और उनकी आय बढ़ाई जा सके। जौदौन ने बताया, हमारा प्रयास रहता है कि हम किसानों से जुड़कर कार्य करें और किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर पूर्व सरपंच भगवती लोधा सिंघावली, सरपंच प्रतिनिधि विजय लोधा सिंघावली, बनवारी लाल दुबे, भरत दुबे, प्रिंस शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद सस्पेंड बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने अब खुलकर बगावत करते हुए पार्टी छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। शोभा रानी ने शनिवार को बड़े नेताओं पर वादा खिलाफी करने को लेकर हमला बोला है। कहा, किसी भी नेता का वजूद उसके कार्यकर्ताओं से होता है, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने खुद निर्णय लिया है कि वह खुद ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं जिसके राष्ट्रीय नेता ही अपने प्रत्याशियों को हराने का काम करे। अब तक मैंने, मेरे कुशवाहा समाज और मेरे सभी सर्व समाज के कार्यकर्ताओं ने धोखा बहुत खा लिया है। अब कोई हमें दोबारा से धोखा दे, ये हमारे कार्यकर्ताओं को और हमें मंजूर नहीं है। जो पार्टी अपने ही उम्मीदवारों को हराए, उसमें कौन रहना चाहेगा। धौलपुर विधायक शोभा रानी ने कहा कि 2017 में धौलपुर उपचुनाव के लिए मैं और मेरा कुशवाहा समाज बीजेपी के पास नहीं गए थे। मेरे परिवार को तबाह करने के बाद जब इनको लगा कि धौलपुर जिले के साथ साथ पूरे राजस्थान का कुशवाहा समाज बीजेपी के हाथ से निकल सकता है, तो खुद चलकर आए थे। मेरे समाज के प्रदेशाध्यक्ष जिम्मेदार 20 बुजुर्ग और युवाओं के सामने कुछ वादे किए थे, उनमें से एक वादा पूरा नहीं हुआ। हाईकमान उन महान बड़े लोगों से पूछें जो हमें बीजेपी में लेकर गए थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। खुलेआम क्रॉस वोटिंग की चर्चा करने वालों को स्वीकार नहीं किया। क्रॉस वोटिंग पर शोभा रानी ने अपनी सफाई देते हुए सुभाष चंद्रा पर भी निशाना साधा। कहा, बीजेपी की तरफ से केवल एक प्रत्याशी घनश्याम तिवाड़ी थे। हमें विश्वास पात्रों में नहीं रखते हुए यह बोला गया कि आप लोगों को निर्दलीय उम्मीदवार को वोट करना है, वह भी उस व्यक्ति के लिए जिसने 2014 में हमारे खिलाफ पूरे देश में अपने चैनल पर झूठी अफवाह फैलाई थी। वह व्यक्ति पैसे के दम पर पूरे नंबर ना होने के बावजूद भी खुलेआम क्रॉस वोटिंग की चर्चा कर रहा था। ऐसे व्यक्ति को हमारे समर्थकों ने स्वीकार नहीं किया। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता ने मुझे 2023 के चुनावों में राजनीति से बाहर करना चाहते थे। शोभा रानी ने बीजेपी के बड़े नेताओं पर भी साजिश के तहत राजनीति से बाहर करने का आरोप लगाया है। कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता अब भी मेरे समाज के कुछ गुलाम और लालची लोगों को आगे करके समाज की एकता को तोड़कर 2023 के चुनाव में मुझे बाहर करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि शोभा रानी कुशवाहा उस कुशवाहा की पत्नी है जिसने कभी झुकना सीखा ही नहीं, चाहे सामने कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो। ऊपर से धौलपुर की सीट को हमने लगातार 3 बार जीता है, ये जानते हैं कि अगर 4थी बार जीतेंगे तो इनका कद राजनीति में बहुत ऊपर चला जाएगा, इसलिए यह चाहते हैं कि कोई ऐसा कुशवाहा गुलाम मिल जाए जो इनकी हाँ में हाँ मिलाता रहे, यह लोग कुशवाहा समाज के वोटों को लूटते रहे, ऐसी पार्टी में कौन सा कार्यकर्ता या नेता काम करना चाहेगा। शोभा रानी ने आगे कहा कि धौलपुर नगर परिषद चेयरमैन चुनाव में मेरे समर्थक और बीजेपी के जन्मजात कार्यकर्ता व अग्रवाल समाज के प्रदेशाध्यक्ष गिरीश गर्ग की बहू को बीजेपी की ओर से नगर परिषद चेयरमैन का प्रत्याशी बनाया गया था। हमारे पास में जीतने के लिए संख्या भरपूर थी, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने हमारे जीते हुए बीजेपी पार्षदों को कांग्रेस को देखकर कांग्रेस का चेयरमैन बनवा दिया, बीजेपी को हरा दिया। शोभा रानी ने आगे कहा कि धौलपुर नगर परिषद चेयरमैन चुनाव में मेरे समर्थक और बीजेपी के जन्मजात कार्यकर्ता व अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग की बहू को बीजेपी की ओर से नगर परिषद चेयरमैन का प्रत्याशी बनाया गया था। हमारे पास में जीतने के लिए संख्या भरपूर थी, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने हमारे जीते हुए बीजेपी पार्षदों को कांग्रेस को देखकर कांग्रेस का चेयरमैन बनवा दिया,
बीजेपी को हरा दिया। इसकी जानकारी जयपुर से लेकर दिल्ली तक दी गई, लेकिन उन बड़े नेताओं को सस्पेंड करना तो दूर की बात है, उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको नोटिस भी दे सके। ऐसे पार्टी में कौन सा कार्यकर्ता या नेता काम करना चाहेगा? कुशवाहा ने कहा, हाल ही में संपन्न हुए पंचायत समिति चुनाव में मैंने धौलपुर पंचायत समिति से पंचायत समिति प्रधान के लिए लोधा समाज के नवल लोधा को बीजेपी प्रधान प्रत्याशी बनाया था। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने जानबूझकर अपने ही कार्यकर्ताओं से उसको हरवा दिया। अब बताएं ऐसी स्थिति में कौन सा कार्यकर्ता या नेता काम करता है? धौलपुर जिले की एकमात्र कोचिंग संस्थान आशुतोष शिक्षण संस्थान। हमारे यहाँ पर रीट, पटवारी, पुलिस, एसएससी, रेलवे, बीएसटीसी, बीएड, वनरक्षक, वनपाल, शिक्षक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तथा आरपीएससी की लिखित परीक्षाएं, एनटीपीसी, आरआरबी जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। और हमारे यहाँ अनुशासित वातावरण एवं कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं चलाई जाती है। हमारे यहाँ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य एवं कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। 2021-22 में 70 विद्यार्थियों का चयन कराने वाली एकमात्र शिक्षण संस्था आशुतोष शिक्षण संस्थान है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए हॉल, कूलर सहित उत्तम व्यवस्था है। शानदार फैकल्टी एवं 100% परीक्षा परिणाम देने वाली एकमात्र संस्थान है। प्रत्येक सप्ताह ओएमआर शीट द्वारा टेस्ट भी कराए जाते हैं। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा, जीटी रोड, धौलपुर, सेकंड ब्रांच काली माई फाटक के पास, पिताम्बरा कॉलोनी, धौलपुर। संरक्षक डॉक्टर विजय देवी सिंह सर, विशेष मनोविज्ञान विशेषज्ञ एवं डॉक्टर सागवान सर। संचालक संजीव भगेल, मोबाइल नंबर 8890094377। निर्देशक सुनील भगेल, मोबाइल नंबर 9509982909। धौलपुर के हरिदास बाबा पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज हुआ कृष्ण जन्म। भागवत कथा में दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती ही जा रही है और दान दाताओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आज धौलपुर निवासी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा द्वारा आज 11,000 रुपए की नगद राशि दी गई और भाजपा नेता गोरेलाल कुशवाहा के पुत्र ने 11,251 रुपए की नगद राशि दी। शिवचरण कुशवाहा जी ने कहा कि इतनी भीड़ मैंने भागवत कथा में कहीं नहीं देखी। लोगों को कथा के प्रति इतना लगाव हो गया है कि लोग इतनी गर्मी में भी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। महाराज द्वारा अच्छा वाचन किया जा रहा है, जिस पर जो बन रहा है सब लोग भागवत के लिए दे रहे हैं। उत्तम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। बसई सामंता में के हरिदास बाबा के प्रांगण में जो भागवत कथा चल रही है उसमें भारी भीड़ उमड़ी है। ऐसी भीड़ मैंने किसी भागवत में नहीं देखी है। जो भी यहाँ पर लोग हैं वो बहुत ही शांत प्रिय और शांत चित्त से कथा का आनंद ले रहे हैं और मैंने भी इसमें भाग लिया और बहुत ही सुंदर वाणी से जो कथा बांची जा रही है उसका पूरा पूरा आनंद लिया। खुशखबरी, 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 अब आपके शहर धौलपुर में रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक ई बाइक, ई स्कूटी, ई लोडर आ गया है। हमारा पता बालाजी मोटर्स, राजाखेड़ा रोड पर, तंगावली मोड़, धौलपुर। इंक्वायरी नंबर 8209977621। निवेदक सतीश दुबे। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। नोट, रोयटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बाड़ी, भसेड़ी, सरमथुरा, सेतौ, राजाखेड़ा, मनिया, मरीना, बसई नवाब, कंचनपुर आदि जगहों पर डीलरशिप के लिए आप हमसे संपर्क करें। सतीश दुबे, कॉन्टैक्ट नंबर 9610079879। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम
सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल, AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, फुली AC विद स्मार्ट क्लास, घंटाघर रोड धौलपुर, एडमिशन ओपन। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय धौलपुर के तत्वावधान में चल रहे जिला स्तरीय कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर राजकीय माध्यमिक विद्यालय इन्फेंट धौलपुर में श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर मुकेश कुमार गर्ग द्वारा अवलोकन किया। शिविर संचालक ओम प्रकाश लोधा ने बताया कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार गर्ग ने शिविर की नृत्य कला, मेहंदी, पेंटिंग, संगीत कला, रंगोली, कंप्यूटर कोर्स, ब्यूटिशियन, सिलाई, सॉफ्ट टॉयज, फ्रेमिंग, क्ले वर्क, साज सज्जा, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कराटे एवं बालिकाओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण आदि सभी ट्रेडों का बारीकी से अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से सभी प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक कला का ज्ञान एवं अभ्यास होना जरूरी है। इस अवसर पर शिविर संचालक ओम प्रकाश लोधा ने कहा, कौशल विकास प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। राज्य स्तर पर सम्मानित हुए रोवर विवेक कुमार ने कठपुतली के नृत्य से सबको प्रभावित किया। कार्यक्रम का संचालन अहमद नबी व्याख्याता ने किया। प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षक मनोज कुमार, इस्माइल खान, रोहिणी शर्मा, वर्षा, रोहित, सुधीर जैन, अहमद नवी व्याख्याता, हरिफूल व्याख्याता, आरती अग्रवाल, खालिद विवेक कुमार, हरिओम कटारा, माता प्रसाद, टाइगर मार्शल आर्ट ट्रेनर आलोक दुबे, साहिल विशाल उपाध्याय, कुसुम यादव, नीलम, स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान पुरुषोत्तम शर्मा, अर्चना बघेल, अनेक अभिभावक गण एवं संभागीय छात्र छात्रा उपस्थित रहे। धौलपुर के जिला अध्यक्ष चक्रवर्ती सम्राट अशोक सेना पवन कुमार कुशवाहा ने कहा, मैं अपील करता हूं कि समस्त कुशवाहा समाज से कि इस आरक्षण रूपी महाकुंभ में अधिक से अधिक संख्या में धरना स्थल पर 12 जून सुबह 5 बजे तक पहुंचने का कष्ट करें तथा युवा साथियों से अनुरोध है कि एक योद्धा के रूप में धरना स्थल पर कार्य करें। इस मौके पर महेश चंद्र कुशवाहा सम्राट अशोक सेना जिला सचिव ने समस्त कुशवाहा समाज से अपील की है कि धरना स्थल पर व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है, धरना स्थल पर पहुंचे। इस मौके पर हरि सिंह कुशवाहा, बटपंच और धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा अन्य क्षेत्रवासी मौजूद रहे। अपील करता हूं कि धरना स्थल पर सारी व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है, आप धरना स्थल पर अधिक से अधिक संख्या में पधारें। जी पवन कुमार कुशवाहा, चक्रवर्ती सम्राट अशोक सेना जिला अध्यक्ष धौलपुर, समस्त युवा साथियों से अपील करता हूं कि इस आरक्षण रूपी महाकुंभ में एक योद्धा के रूप में कार्य करें तथा धरना स्थल पर बढ़ चढ़कर पहुंचें। और युवाओं से विशेष अनुरोध है कि आप 12 जून को सुबह 5 बजे तक धरना स्थल पर पहुंचने का प्रयास करें। और जितने भी युवा साथी हैं, इनसे एक विशेष बात है कि हमारी सम्राट सेना के जो एक कोड है, अपने व्हाइट साफी के रूप में एक गमछा लेकर के पहुंचे। करौली से बाढ़ आते समय आज राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का विभिन्न स्थानों पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, जिसमें करौली धौलपुर बॉर्डर बथुआ खोप पर मीणा समाज के युवाओं ने स्वागत किया। वहीं इसके बाद बाढ़ चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा भी मीणा का स्वागत किया गया। इसके बाद उत्थान भवन सरमथुरा पर भी सोच बदलो गाँव बदलो टीम के द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मीणा ने कहा कि आपके द्वारा दिए गए प्यार का मैं सदैव आभारी रहूंगा। साथ ही सहारा इंडिया के एजेंटों के द्वारा भुगतान को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि सहारा के द्वारा निवेशकों को भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे निवेशकों के द्वारा एजेंटों को परेशान किया जा रहा है। साथ ही निवेशकों के द्वारा रोजाना एजेंटों से गाली गलौज तक की जाती है, जिससे सभी एजेंट बहुत ज्यादा परेशान है। इस दौरान भाजपा नेत्री गुड्डी मौर्य, शेखर मौर्य, कप्तान सिंह जादौन, केशव दीवान, बहादुर पेलावत, BL मीणा, जल्दीश मीणा, मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी, संतोष मंगल, शिवदयाल जिंदल, परसो मंगल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। सरमथुरा नगर पालिका के पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष सोनू कुमार शर्मा चरोरे ने आज जयपुर पहुंच राज्यसभा सदस्य के लिए नवनिर्वाचित हुए भाजपा एवं ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेता घनश्याम तिवाड़ी को उनके निवास पर जाकर बधाई और शुभकामनाएं दी और शर्मा ने तिवाड़ी को गुलदस्ता भेंट किया। आपको बता दें, तिवाड़ी ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेता है और जैसे ही उनकी जीत का समाचार उनके शुभचिंतकों को लगा तो लोग उनके जयपुर स्थित निवास पर पहुंचकर उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। इस दौरान सरमथुरा से नेता प्रतिपक्ष भाजपा सोनू शर्मा, केदारनाथ चरूरे, रामगोपाल हरदेनिया उर्फ गोपी मास्टर, विनोद हरदेनिया, बबलू सहित अन्य उपस्थित रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट।
आज भारतीय जनता पार्टी राजाखेड़ा तथा महिला मंडल की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मधुसूदन डांडूतिया ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में जिला उपाध्यक्ष नागवेंद्र सिंह रहे। बैठक का आयोजन केंद्र सरकार के 8 साल का पूरा होने पर केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को 8 साल बेमिसाल के रूप में किया गया, जिसमें जिला उपाध्यक्ष नागवेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं देश के हर गरीब तक पहुंचाने का कार्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बैठक में निम्न लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे, उदयभान सिंह, रमेश वर्मा, दामोदर सिंह, मोहन प्रकाश, अर्शफी सिंह, रूप सिंह सेजवार, नीरज शर्मा। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ता गण पूर्व ग्रामीण मंडल अध्यक्ष उदयभान सिंह, वरिष्ठ कार्यकर्ता रमेश वर्मा, पूर्व युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मोहन प्रकाश, पूर्व महामंत्री संजू उदेनिया, पूर्व महामंत्री दामोदर सिंह, महामंत्री रूप सिंह सेजवार, नायला मंडल महामंत्री अर्शफी सिंह, मुकेश बघेल, पार्षद दुशासन, नायला मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष नीरज शर्मा, रामप्रकाश लहचोरिया, लाल शर्मा, भीमसेन जादौन, पिंकी ठाकुर आदि। बाड़ी बसेड़ी सेपऊ राजाखेड़ा में चंबल प्रभा को अनुभवी पत्रकारों की आवश्यकता है। शीघ्र संपर्क करें टीम चंबल प्रभा जोधपुर। मोबाइल नंबर 7374045656। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।